हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट। तो गाइस, आपके लिए आज लेके आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 से रिलेटेड। ये नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पीएचडी एग्जामिनेशन में अगर आपको एंट्रेंस देना है, पीएचडी में एनरोल होना है, तो देर आर डिफरेंट वेज। आप नेट जेआरएफ के थ्रू जा सकते हैं और आप एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन के थ्रू भी पीएचडी में एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो अभी जो एग्जामिशन मिलती है नेट कैंडिडेट्स को और जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, उनके एग्जामिनेशन आउट हुए थे, उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए, तो उनकी लास्ट डेट एंड हो चुकी है। बट हमारे पास अब नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अब आपको पीएचडी में एडमिशन लेने का मौका मिल सकता है बिना नेट और जेआरएफ के। एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हो, क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरीके से एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट रहता है और आपको क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हुई चलूंगी, सो देट आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो। तो चलिए बात करेंगे। सबसे पहले मेरा नाम है आयुषी, आपके लिए पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, सेट एग्जामिनेशन के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए हम तैयारी करते हुए चलते हैं। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर कंप्लीट पेपर वन एंड पेपर टू प्रिपरेशन। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पे आपके लिए क्लासेस होती हैं जो आपको हेल्प करती है आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। जेआरएफ अड्डा पे भी एडुकेटर हूँ, तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। हमारे बैचेस स्टार्टेड हैं तो आप बैचेस में एनरोलमेंट ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि डेली क्विजेस, क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाती है, काउंसलिंग सेशन रहते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी आपको पूछना होता है, कुछ भी आपके मन में जो सवाल होते हैं, किसी की एग्जामिनेशन को तैयार करने से पहले, किसी की भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले, तो वो सारे डाउट्स भी आपके यहाँ पे टाइम टू टाइम हम क्लियर करते हैं काउंसलिंग सेशंस में। कुछ भी पूछना है आपको, इन दो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और कुछ भी जानकारी आपको जो लेनी है वो आप ले सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करेंगे क्या तरीके से क्या चीज़ें रहेंगी। अब यहाँ पे 9th ऑफ अगस्त को एक नोटिस आया था एनटीए के द्वारा, जहाँ पे आपसे चार डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए पीएचडी फॉर्म के लिए आपसे एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे डीयू, जेएनयू, बीएचयू और बीबीएयू, इनके लिए आपसे नेशनल लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, ना केवल रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज के द्वारा, बल्कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उन्होंने इस बार ये कार्यभार लिया है अपने सर कि वो आपके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो 9th ऑफ अगस्त से 8th ऑफ सितंबर तक आपके पास टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, और उसके बाद ही 9th ऑफ सितंबर से 11th ऑफ सितंबर तक करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो अभी ही अगर आप चाहते हो एंट्रेंस टेस्ट देना, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो और सारी चीज़ें होंगी कि एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, एग्जामिनेशन की डेट क्या होगी, ये सारी चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएंगी। ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो 3 आवर्स का होने वाला है, ठीक है। और ये जो टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है, ये भी आपको वेबसाइट पे बताई जाएगी। और एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या होने वाला है। तो देखिए, लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन को लेके यहाँ पे एक चीज़ आई थी कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, एक्सेप्ट जो लैंग्वेजेस के पेपर है वो अदर लैंग्वेजेस में होंगे। बट इन्होंने इस चीज़ को करेक्ट करते हुए एक और नोटिस निकाला था नेक्स्ट डे ही, 11th ऑफ अगस्त को। तो इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे जो हम आपके एग्जामिनेशन की जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो कॉमर्स, फाइनेंस, आर्ट्स एंड कल्चर और ह्यूमैनिटीज के लिए क्या होने वाली है, बाइलिंगुअल होने वाली है, ठीक है। तो आपको अगर आप कॉमर्स से हैं, आर्ट एंड कल्चर से हैं, फाइनेंस डोमेन से हैं, ह्यूमैनिटीज डोमेन से हैं, तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पेपर है जो दिया जाएगा। एज पर योर प्रेफरेंस आप इस लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वन बाय वन चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं सारी कि किस तरीके से आपको यहाँ पे समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन आई है, डिटेल प्रोस्पेक्टस मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पीएचडी में चार डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, चारों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो फीस है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फीस है, ठीक है, टेस्ट पेपर के लिए यहाँ पे कितनी है। जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 1200 रुपीज़ है, ओबीसी से हैं 1100, एससी एसटी थर्ड जेंडर है 1000, पीडब्ल्यूबीडी है तो 1000 रुपीज़ आपकी फीस है, सॉरी 10,000 नहीं 1000, ठीक है। तो ये फीस है। और अगर आप कोई एडिशनल टेस्ट पेपर देना चाहते हैं, तो पर टेस्ट पेपर के लिए आपके लिए अलग से फीस भी है, वो भी 800, 700, 700 और 700 एज पर योर कैटेगरी यहाँ पे डिवाइडेड है। तो आप फी पे कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको पे करना है तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और वॉलेट के थ्रू आप फीस पे कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, ये फी स्ट्रक्चर है। तो अगर आप फिल करना चाहते हैं फॉर्म तो यू कैन फिल। एप्लीकेशन फीस आपके पास है, एक टेस्ट पेपर के लिए 1200 रुपये है, तो ये चीज़ देखना। अगर आप दो टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी फीस डबल हो जाएगी, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आपसे फीस चार्ज है जो की जाएगी। फिर इसके बाद सारी चीज़ें हैं, 3 आवर्स का पेपर होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और क्या चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको जो एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेनी है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप समर्थ वेबसाइट है उसको डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्या है, इस चीज़ के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि क्या आप एलिजिबल हैं रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग प्रोस्पेक्टस है जो वो जारी करेगी। अभी फिलहाल हमारे पास BBAU का प्रोस्पेक्टस आया है, DU, JNU एंड BHU का प्रोस्पेक्टस अभी आना बाकी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। मैं आपको BBAU के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी वगैरह सारी बता दूंगी। तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मतलब कि प्रोस्पेक्टस को आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके साथ साथ आपको सारी चीज़ें रीड करने के बाद अप्लाई करना है। ऑनलाइन जब आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसको आप फिल करेंगे, ठीक है। अपना जो लॉगिन आईडी वगैरह क्रिएट करेंगे, एप्लीकेशन नंबर होगा, पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, उसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स है लाइक आपको अपनी इमेज लगानी है, सिग्नेचर लगाने हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, ये आपको देख बताया गया है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, फी पेमेंट करनी है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप टू आपको क्या करना है, फी पे करनी है, जो भी एग्जामिनेशन फीस है जिस भी आप पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी है। और आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू यहाँ पे ऑनलाइन पे कर दोगे, ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है एक आपके पास जो फॉर्म आएगा, कि कन्फर्मेशन फॉर्म होगा कि आपने फीस पे कर दिया और सारे स्टेप्स आपने पूरे कर लिए हैं। फिर उसके बाद आपको अपना ईमेल और मोबाइल नंबर भी वेरिफिकेशन करना है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान से रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो ध्यान में रखनी है। फिर अगर आपको कोई भी अपडेट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, संदेश ऐप इसको इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगी NTA की तरफ से तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और NTA की वेबसाइट पे आप विजिट करते रहेंगे, ईमेल्स चेक करते रहेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ है, अब NTA कंडक्ट करवा रहा है एग्जामिनेशन, तो ऐसा नहीं है कि जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं आपको उसी स्टेट में जाना होगा, उसी सिटी में जाना होगा जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी है। आप कहीं भी फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि NTA ये टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, तो आपकी जो सिटी है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए अपना सेंटर उस अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, जो भी सेंटर आपको अलॉट किए गए हैं उन्हीं सेंटर्स में से आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या चीज़ है, वही है कि आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है। अब ये एलिजिबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपका रिस्पेक्टिव कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको BBAU बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस दिखा देती हूँ 2023 एकेडमिक ईयर के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओपन कैटेगरी की कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, तो ओपन कैटेगरी में यहाँ पे जनरल तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ OBC और EWS भी आते हैं, ठीक है। और अगर हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो SC ST और PWD वहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है। आपको डिपार्टमेंट वाइज कितनी सीट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं, तो आप देख सकते हो कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेन कैंपस के लिए, तो आपके पास देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली, बहुत सारे, फूड एंड न्यूट्रिशन, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, मैथ्स, केमिस्ट्री, बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो ऑफर किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे कॉमर्स के बारे में नहीं बताया हुआ, बट कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट हो, फाइनेंस के स्टूडेंट हो, तो आप मैनेजमेंट से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी का सारा एनेक्शन 1 में यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे आपको सीट्स बता रखी है कि अनरिजर्व कैटेगरी में SC ST और EWS कैटेगरी में कितने यहाँ पे सीट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। जैसे मैनेजमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे 9 यूअर कैटेगरी में है, SC कैटेगरी में 11 है, ST में 5 है, EWS में 2 है, तो टोटल 27 पोस्ट है। ऐसे ही अगर मैं इकोनॉमिक्स ही यहाँ पे आपको बात बताऊँ तो इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हो 8 यूआर कैटेगरी में है, 5 एससी में है, 3 एसटी में है, 2 एसटी में है और 1 ईडब्ल्यूएस में, तो टोटल 16 हमारे पास क्या है, सीट्स हैं। और ये जो सिलेबस होगा, ये सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, तो
ध्यान रखेंगे जो सिलेबस है एनटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है तो एनटी की वेबसाइट पे ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो समर्थ ऐप को आप डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर इसके बाद और भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन और इंक्लूसिव पॉलिसी है जो उसके तहत आपको सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और एजुकेशन में डिफरेंट सीट्स अलॉट की गई हैं। एंड साथ ही साथ जो पीएचडी प्रोग्राम है सेटेलाइट सेंटर में जो अमेठी में है बीवीएयू में के यूनिवर्सिटी के अंडर ही, तो आपको यहाँ पे अलग सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कॉमर्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और सोशोलॉजी। ये 6 सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपके लिए सेटेलाइट सेंटर जो है अमेठी में वहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए सीट्स अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूआर कैटेगरी और एससी कैटेगरी में दो दो सीट्स हैं, तो टोटल 4 सीट्स हैं कॉमर्स में, ठीक है। तो अगर आपका पेपर कॉमर्स है, ठीक है, कॉमर्स में आपने नेट जेआरएफ नहीं भी किया है, ठीक है, आपने एमकॉम की हुई है, तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन है। आपको कोई भी नेट जेआरएफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इन केस आपके पास नेट है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एंट्रेंस दीजिए। एंट्रेंस देने के बाद आपके पास नेट भी होगा तो आपको एक एज मिल जाएगी यहाँ पे, आप एग्जाम्प्टेड यहाँ पे नहीं होंगे, एंट्रेंस आपको देना ही पड़ेगा वेदर आपने यहाँ पे नेट क्लियर किया हुआ है, जेआरएफ क्लियर किया हुआ है या नहीं। और जिन्होंने नहीं किया है तो उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छे से एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे से एंट्रेंस देके इंटरव्यू क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। फिर इसके बाद ट्यूशन फीस वगैरह दी हुई है कि क्या फीस रहती है, पर सेमेस्टर कितना चार्ज किया जाता है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है बहुत कम चार्जेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तो आप देख सकते हो कंप्लीट चार्जेस कितने रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो ये सारा आपके पास मैं शेयर कर दूंगी, पीडीएफ दोनों पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे आई थी रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करवाएगा बट जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन है जो दी जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जिस यूनिवर्सिटीज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह भी आप रीड कर लेना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे एडमिशन है जो मिलने वाला है। बट हाँ, जो पेपर होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा एनटीए के द्वारा, तो सिलेबस आपका सेम रहेगा, ठीक है। और आप अब क्या कर सकते हैं, चारों यूनिवर्सिटीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन देना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी अवेलेबिलिटी होगी सीट्स की उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन है जो हो जाएगा। तो कोशिश हमें यही करनी है जितनी सीट्स हमारे पास हैं उनको हम अच्छे से पढ़ के उस सीट्स में से अपनी एक सीट को पक्की कर लें। और यहाँ पे एंट्रेंस बेस्ड होगा तो आपका जो भी सिलेबस होगा उसको अच्छे से गो थ्रू करिए, जो नेट का सिलेबस होता है मोस्टली पेपर में वही आता है, पेपर 2 वाला सिलेबस। पेपर 1 में आपसे रिसर्च है जो ज़्यादा पूछी जाती है, आईसीटी है वो पूछी जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से कवर कर लेनी है, तो मोटा मोटी यही सिलेबस रहता है। तो जो भी सिलेबस होगा वो एनटीए की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे पीएचडी करनी है और एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि 9th ऑफ अगस्त से 8th ऑफ सितंबर तक ही एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं जो आउट हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कोई भी यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, जो भी यहाँ पे कंडीशंस वगैरह हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि क्या एग्जामिनेशन स्कीम रहेगी। तो सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मीडियम हम मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, ठीक है। इंग्लिश होने वाला है बट ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट एंड कल्चर के, उनके लिए बाइलिंगुअल होगा, और जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनका उनकी लैंग्वेज में पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी के सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, कंपलसरी होने वाले हैं। 3 आवर्स का टाइम पीरियड आपको मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा आपका पेपर, एक में रिसर्च मेथडोलॉजी आएगी जो रिसर्च होती है, और दूसरा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होने वाला है। फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आप यहाँ पे देखिए कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो क्या क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे एनटीए ने डिफरेंट कैटेगरीज डिवाइड कर दिए कि कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं तो उनके लिए क्या कोड है और कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे कवर हो रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कॉमर्स और फाइनेंस के लिए 3 यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टडीज, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, रीजनल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। आर्ट एंड कल्चर में भी डिफरेंट 8 सब्जेक्ट्स हैं, फिर ह्यूमैनिटीज में भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं 12, ठीक है, और फिर लैंग्वेजेस में भी आपके पास डिफरेंट 19 सब्जेक्ट्स हैं, और साइंस डोमेन में अगर हम देखें तो 17 नहीं यहाँ पे आपके पास 32 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का प्रोस्पेक्टस देखेंगे ना तो उसमें जो सीट्स निकली हुई थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की मैनेजमेंट की सीट्स थी, तो मैनेजमेंट की सीट कहाँ पर आएंगी, ये कॉमर्स और फाइनेंस के अंडर आप यहाँ पर क्या करोगे, लाई करोगे। तो ये चीज़ आपको देखनी है, कॉमर्स और फाइनेंस के अंडर आपको पेपर फिल करना है, तो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स भी वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो कॉमन है यहाँ पे कॉमन वाले में फिल करेंगे, साइंस वाले, लैंग्वेजेस वाले उसमें फिल कर सकते हैं। जो इकोनॉमिक्स है यहाँ पे देखिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स है तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आप कॉमर्स और फाइनेंस वाले हैं जो लोग उनको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रहती हैं।
तो इन चीजों का हमें क्या करना है, ध्यान है जो रखना है, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं जो लाए गए थे, तो जी बिल्कुल यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं लाए गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना कुछ कम जो भी प्रोस्पेक्टस इशू हुआ था 9th को, जो नोटिस आया था उसमें यहाँ पे कुछ चेंजेस भी हैं जो लाए गए हैं, इनको भी केयरफुली आपको रीड करना है। लैंग्वेज वाला मैंने यहाँ पे बता दिया, फिर इसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी मैंने आपको बता दिया, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो साइंस सब्जेक्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ आती है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले इन्होंने क्या बोला था कि एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का होगा और एक नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो, बट यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद रिवाइज टाइम टेबल है वो दोबारा आपको इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बट एक चीज यहाँ पे निकल के आती है, वो क्या चीज है कि अगर कोई रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है उसमें नेगेटिव मार्किंग अगर होती है ना, तो वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी कंसिडर की जाएगी। बट एज एनटीए यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, तो एनटीए ने जब नो नेगेटिव मार्किंग बोल दिया, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। एक बच्चे का डाउट आ रहा था कि बीएचयू में तो नेगेटिव मार्किंग होती ही है, तो अब एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, तो एक रूल यहाँ पे फॉलो होगा, तो नो नेगेटिव मार्किंग ही आप इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग आपकी इस एग्जामिनेशन में नहीं होने वाली है। बट हाँ, रिजर्वेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करने वाली है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ लेनी है। कोई भी आपके डाउट्स होते हैं तो आप पूछ सकते हैं, बट अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और कितना टाइम पीरियड आपके पास है और किस तरीके से पेमेंट वगैरह करनी है। यहाँ पे आपको कोई भी अभी रिसर्च प्रपोजल तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन क्लियर होगा, जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही हम देखेंगे कि हमारा जो सिलेक्शन होगा, तो ही हम रिसर्च प्रपोजल वगैरह बनाएंगे। तो अभी अगर आप लेना चाहते हो एडमिशन और नेट जेआरएफ नहीं है, बट आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो और एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने का, जो अपना पीएचडी करने का सपना है, उसको आप पूरा कर सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपके लिए यहाँ पे जो नेट क्लियर करना चाहते हैं, जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए हमने ऑलरेडी बैच स्टार्ट किया हुआ है जेआरएफ एप्लीकेशन पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट बैच रन कर रहा है, जहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज मिलते हैं, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, हैंडबुक्स एंड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 11,999 इसकी फीस है, ठीक है। अभी हाल ही में ऑफर था इंडिपेंडेंस डे पे, बट अब आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको कंप्लीट फीस है जो पे करनी होगी। और अगर आप केवल पेपर 2 के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो केवल पेपर 2 भी आप ले सकते हैं, 7,000 इसकी फीस है। केवल पेपर 1 लेना चाहते हैं तो 5,000 रुपीज में आप केवल पेपर 1 भी ले सकते हैं। और हैंडबुक्स लेना चाहते हो तो हैंडबुक्स भी आपके लिए अवेलेबल है, पेपर 2 की कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री एंड साथ ही साथ पोलिटिकल साइंस की हैंडबुक अवेलेबल है। अगर आपका इनमें से कोई पेपर 2 है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। और पेपर 2 का जो हैंडबुक का प्राइस है वो है 3,000 रुपीज़, एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 10% एडिशनल डिस्काउंट है जो दिया जा रहा है हैंडबुक्स पे, तो यू कैन अवेल, ठीक है। आपको कोड यूज करना है IT10 और आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट है जो मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहिए, क्लासेज अच्छी लगती हैं तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, एंड जरूर लाइक एंड शेयर किया करो, उन सभी के साथ शेयर किया करो, सो दैट जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए उनको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल सके। और ये PDF, कंप्लीट PDF जो डिटेल नोटिफिकेशन है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। कॉमर्स स्पॉटलाइट नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं ये कंप्लीट PDFs हैं जो शेयर कर दूंगी। और आगे DU का, GNU का और जो BHU का प्रोस्पेक्टस रिलीज होगा उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। तो फटाफट से फॉर्म फिल कर दीजिए, अच्छा चांस है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है PhD में, तो PhD में एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो PhD आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।